अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जनाब डिजिटल बैगर्स। UPI जो है वो बड़ा ही फेमस हुआ इंडिया का, तो जो बार कोड के जरिए जो अपनी पेमेंट पे कर सकते हैं मोबाइल के जरिए ऑनलाइन, तो इंडिया में इतना ज्यादा ये फेमस हो चुका है तरीका कार के, जो है जो बेगर्स हैं, भिखारी लोग हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं पहले और अपना भी अनपढ़ देंगे, कौन हम करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। जब वक्त का तकाजा कि हम डिजिटल युग में प्रवेश करें, जब हमारी सरकार चाहती है कि डिजिटल इंडिया बने, तो फिर इस अभियान में आम लोग पीछे कैसे रह सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करती हुई एक तस्वीर ऐसी आई है जिसे देखकर न सिर्फ आप चौंक जाएंगे बल्कि आपको यह तस्वीर बेहद दिलचस्प लगेगी। जी हाँ, इस तस्वीर से आप दंग हो जाएंगे और सोचेंगे कि भला ऐसे बनेगा डिजिटल इंडिया। दरअसल ये खबर आई है बेतिया से। जी हाँ, बिहार के बेतिया में एक ऐसा शख्स जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भीख मांगने का उसका अपना एक अलग स्टाइल है। वो डिजिटल तरीके से ही लोगों से सहयोग लेता है और डिजिटल इंडिया में अपनी भागीदारी निभा रहा है। हम बात कर रहे हैं उस भिखारी की जो भीख का सहयोग खाते में लेता है। इसका नाम राजू है। राजू की कहानी भी बड़ी रोचक है। ये एक तरफ तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का बड़ा फैन है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का दीवाना है। बेतिया के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या फिर कालीबाग मंदिर के आसपास ये आपको नजर आ सकता है। उसी इलाके में लोगों से मदद मांगकर वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। ये क्या आप गला में लटका के बोल रहे हैं? ये अपन लटका के मांगते हैं, अपन खा कर दिए थे अगर मोबाइल में जो सब चीजें है लो जाते हैं, क्यों लोग कैश नहीं देता है? कहीं देता है, एक बार दो बार देता है, जाता है। अच्छा, तो ये तो मोदी जी का डिजिटल है। किसका डिजिटल है? अच्छा, लालू जी को कब से जानते हैं? मैंने 95 से। 95 से? हाँ। आपके लिए वो क्या किए थे? कुछ नहीं किए। अरे सुनने में आया था आपके लिए पास भी बना हुआ था ट्रेन में सफर करने के लिए। नहीं, पास नहीं बना था, खाने का। अब आपको बताते हैं कि राजू ने कैसे खुद को डिजिटल भिखारी बना लिया। दरअसल हाल ही के दिनों में राजू ने ई वॉलेट खोल लिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो लोगों से जब मदद की अपील करता था तो लोग छुट्टा नहीं है ये कहकर चल दिया करते थे। इसके बाद से राजू बैंक में खाता खोलने का प्रयास करने लगा। उसने बेतिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में यानी मेन ब्रांच में अपना खाता खुलवाया और वहीं पर उसने ई वॉलेट बनवा लिया। उसका कहना है कि वो नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के अभियान से प्रभावित होकर पहले ही बैंक में खाता खोलना चाहता था, लेकिन तब उसके पास पैन कार्ड नहीं था। आधार कार्ड तो था, लेकिन पैन कार्ड उसे बनवाना पड़ा और बीते महीने ही उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया है। ये बिहार का ही नहीं, शायद पूरे भारत का पहला ऐसा मामला होगा कि एक शख्स लोगों की मदद से या लोगों से भीख मांगकर गुजारा करता हो, लेकिन वो भी कैश नहीं बल्कि डिजिटली ट्रांसफर करा। एक वक्त ऐसा था जब वो लालू यादव की नकल किया करता था। लालू यादव का जहां भी कार्यक्रम होता था वहां पहुंच जाता था। साल 2005 में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस के पैंट्री कार से रोज भोजन भी मिलता था और ये सिलसिला साल 2015 तक चला। इसके बाद से अब वो अपने पैसे से भोजन करता है। बेतिया में सभी लोग राजू को जानते हैं। वो बेहद सरल स्वभाव का इंसान है और आज वो डिजिटल तरीके से भीख मांग कर अपना खर्चा उठाता है। Thank you.
वो क्या डायलॉग है, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया पे देखा आज हमने, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जिस तरह ये राजू जी कमाल नहीं हो गया भाई, किसी को टेक्नोलॉजी से हर कोई फायदा उठा रहा है भाई। और लेकिन इनसे कोई छीन भी नहीं सकता पैसे भाई साहब। इस ये जो इन्होंने अपना रखा है इसको बंद करना चाहिए यार। अभी हट्टा कट्टा है जो मुस्ताहक लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। नहीं कहाँ हालत बता रही है उसकी जबान ऐसी। मानते हैं इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे भिखारी जिनके पास इंग्लिश पैसे हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश में भीख मांगते हैं भाई। तो मतलब प्रोफेशनल हो गए ना, मुस्ताहक लोग तो ना हुए, पढ़े लिखे। अब किसी के पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा, मेरे पास छुट्टा नहीं है, मेरे पास डिजिटल जो भी है ना ये तो है, दे दो। ये भी है कि हकीर से हकीर पेशा भी अपना ना जो है ना वो भीख मांगने से भाई बेहतर होता है। हां ये कहूंगा भाई। अभी वो कह रहे थे कि वो पहले वो अपने पैसे से नहीं नहीं, लालू यादव ने पास बनवा कर दिया था, खाना उधर से मिलता था, अब ये खुद खाते हैं उधर से। तो भाई जो उधर बनता होगा वो मिलता होगा, जब उधर से सिर्फ खाने ही मिलता है, इधर से पैसे और हो सकता है इसके पास इतने पैसे, इसने कहीं इन्वेस्ट किए हो, दारू भी मिल सकता है, सब इन पैसे से दारू भी मिल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी ये दूसरी बात है तो भाई उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो तो अलग से, हर बंदे की ख्वाहिशें भी होती हैं, ऐसा तो नहीं कि भिखारियों बेचारों की ख्वाहिशें नहीं, 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 तो इंसान होते हैं, उनके पास चलो कोई खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह, कुछ होते हैं जिनको लत लग जाती है भीख मांगने की, तो वो मांगते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो एक दिख जाता है बंदा ये भीख मांगने के लायक है कि नहीं, तो अगर वो काम कर सकता तो उसको बोलें कि भाई काम करो, देश के लिए भी कुछ भला हो जाता है। काम से ज्यादा आसान ये तरीका है भाई, हर कोई बोलता है भाई शर्म आती है भीख मांगने के लिए, शर्म आती है, आती है वो मांगती नहीं। आज देख रहे इमरान, शर्म उतार कर ये काम करना पड़ता है। ये डिजिटल है तो इमरान खान इंटरनेशनल है, तो वो भी डिजिटल ही कर रहे हैं, डिजिटल ही वो हम एडवांस चल रहे हैं इंडिया से आगे। हाँ ये भी है, ये भी सही है, तो थोड़े थोड़े पैसे मारे हमारा तो ये तो दस दस बड़ा है बोले तो बिजनेस का भी फैला हुआ है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में पूरी बिजनेस फैला है। वो अलग बात है कि आजकल हमें पैसे कम पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये भाई डिजिटल होने से ये फायदा हो जाता है कि जो कैश ट्रांजैक्शन होती है ना उसमें घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें गवर्नमेंट को ना टैक्स कम मिलता है। तो जब जो पैसा जो है वो ऑनलाइन होगा तो गवर्नमेंट की नजर में रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा कितने पैसा आया कितना गया, गवर्नमेंट को पता होगा, उसमें जो टैक्स चोरी नहीं हो सकता। सही बात। तो ये भाई गवर्नमेंट को ज्यादा, तभी तो देख लो आज कितना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं भाई, 3.5 trillion की इकोनॉमी हो रखी है। तो वो ऐसे ही है, डिजिटल करने से कहीं जो ब्लैक मनी होती थी वो बच जाता। आए दिन ना भाई सड़कों के ऊपर हादसा हो रहे, पिछले दिनों में खबर देख रहा था 30-25 लाख रुपए थे गाड़ी के पास, मतलब बैंक से और उन्होंने निकलवाए और रास्ते में आते हुए डाकू ने लूट लूट लेते हैं 25 लाख लूट। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है, और अगर कैसे मारता तो हो सकता है उसको मार भी दिया जाए मौके पर। इंडिया में रेडी वाले ने बारकोड लगा रखा है, वो गोलगप्पे वाले उसने बारकोड लगा रखा है, वहाँ पर जो लोग खाते हैं 10-20 रुपए वो भी उधर से पे कर देते हैं। एक सहूलत है, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक और बात है ना, लेकिन इंडिया में इंटरनेट सहूलत भाई, असल में पता है एक इंटरनेट हो और एक बंदों को यूज करने का पता हो तो ये आसान है। तो ये है ना जो एक रुझान चल जाता है पब्लिक में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सहूलत तो मुयस्सर होनी चाहिए भाई साहब। ये जो तरीका ना, लेकिन ये तो अजूबे ही हो, बहुत कमाल लगा भाई। और इससे जो डिजिटल इंडिया डिजिटल भिखारी वो भी हो रहे हैं। नहीं अब आगे पीछे हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि भिखारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी छोटी जो रेडियो वाले वो भी इस्तेमाल कर, मतलब इससे भाई उनका हो रही है, सही है, उनका हक नहीं बनता इस्तेमाल करने का, नहीं बनता है। तो ये मोदी जी का भाई साहब प्लस पॉइंट है, यूपीआई कितना प्रमोट कर रहे हैं और ये जो पैसे पे कर रहे हैं बार कोड के जरिए, ये भी बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाई, इससे आसानी भी हो जाती है जो लोग। अच्छा इससे एक और बात है, जो दूसरे भीख मांगते हैं उनके पास वो पता नहीं चलता कि इनके पास कितने पैसे हैं या कितनी जायदाद है, इससे पता तो चलेगा इस भाई के पास कितनी अमाउंट है।
ये बारकोड वाला भाई पता नहीं बैंक अकाउंट खुला के पता नहीं कितने माल इकट्ठा करके बैठा होगा। तो जो भी बंदा अगर ये एक और कोई तो पता नहीं, अगर छुट्टे हो तो कोई पांच रुपए चार रुपए देता होगा, कोई दो दो रुपए भी दे देते हैं। तो ये कम जो ट्रांसफर करेगा कम से कम 10-15 तो करेगा। कहीं होते हैं जो अच्छे दिल वाले वो ज्यादा भी अच्छे दिल वाले छोड़ भाई, उनके पास पैसा है अगर वो दे भी दे ना तो अल्लाह इसके बदले उनको और ज्यादा देगा। बिल्कुल सही बात, गरीब देना चाहिए की जरूरतमंद को भाई देना भाई आपका जो लेकिन है, लेकिन वो आपसे वो जरूरतमंद हो। हाँ, जरूरतमंद ही तो बोला है। ऐसा नहीं कि अगर आप एक हट्टा कट्टा हो बिल्कुल फिट हो उसको उसको प्रमोट करें इस रास्ते पर आने तो वो बजाय सवाब के आपको भाई उसका भुगतान। एक और भी चीज है हमारे यहाँ भाई बहुत सारे नशाई फिरते हैं, इंडिया में भी शायद होंगे जो जगह जगह पर शायद नहीं बहुत ज्यादा। तो वो हमारे उनको तो पैसे दे के खराब भी करना तो ये भी होता है भाई। इंडिया में भी नशेड़ी बहुत फिरते हैं भाई। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।